हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय माँ काली। तो आज टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। संडे का टाइम है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला ये टैरो, देन वी गॉट द एवलॉन मैजिक, एंड वी गॉट द स्वीट ड्रीम्स ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। दो बार हमने कार्ड शफल किए हैं, ये वी गो, दो कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, ये आ गया तीसरा कार्ड, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, चलो आठवा, और ये नौवा। ओके, तो नौ कार्ड आ चुके हैं। मैं दरअसल सात ही कार्ड लेने वाला था, बट कार्ड्स आ गए, एनर्जी आ रही है, सो व्हाट कैन आई डू। ठीक है, ये कार्ड बीच में से आ गया, सो चलो हम इसे बीच में रखते हैं, एंड हियर वी गो। ठीक है, तो ये है वो कार्ड्स, देखते हैं क्या रीडिंग हमें देखने को मिलता है। ओके, जो प्रथम स्थान पे कार्ड है वो है द सन, यानी कि भी ऊर्जा का कार्ड। ओके, जिसे हम कनेक्शन टू द सोल भी कह सकते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मे बी ये पर्सन जो एक्चुअली आई थिंक अपने सोल जर्नी पे है। ठीक है, अब बाकी आज दिन भर आपकी बातचीत कैसे होगी, बिकॉज जो मैंने रीडिंग की थी दिल की बातें वो तो बहुत ही काबिल तारीफ थी, दैट द पर्सन इज एबल टू शेयर एवरीथिंग विथ यू, या फिर अपने दिल को कनेक्ट करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था। लेकिन जो एक तीसरा ओरेकल आया था, हमने उसमें देखा कि कहीं ना कहीं पे पास में कोई अटका हुआ है। तो जो सूर्य की एनर्जी है वो इस पर्सन को सही राह पे जाने के लिए कोशिश करेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो बर्न अप करने के लिए ये रीडिंग सही रहेगी, ये कार्ड सही रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पर्सन इसने आज बहुत कुछ सीखा होगा एंड बहुत सारी चीज़ों को मिस भी किया होगा। ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली उसका माइंड सेट कैसा रहा है, राइट। तो वो देखने के लिए हमें दूसरा कार्ड देखना होगा, और वो है जजमेंट। तो जैसा हम देख रहे हैं जजमेंट कार्ड सेकंड पे आ गए हैं, तो दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है। जजमेंट का मतलब है कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो तिलमिला उठा है और अपने वर्तमान और अपने भूतकाल से लड़ रहा है। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना कि भाई भूतकाल को भूल जाओ जो चीज़ें हुई, या फिर लड़ो खुद से, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। पर्सन कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो प्रॉब्लम यहाँ पे हमें दिख रही है। अगर हम इनका आपसे कनेक्शन देखें तो मे बी आप कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी बात करते हैं आपसे, लेकिन कभी कभी गुमसुम हो जाते हैं, या फिर कभी कभी आपसे बात न करना ही उचित समझते हैं। तो ऐसी उनकी बातें हैं, यू जस्ट कैनॉट फोर्स दिस पर्सन टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये पर्सन अपने ही जजमेंट में अटका हुआ है, एंड इसको वहाँ से बाहर आने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, शायद उसे तकलीफ हो रही है और बिकॉज ऑफ दैट वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक हाथ आपके हाथ में है और एक हाथ जो है वो कहीं ना कहीं पास में अटका हुआ है, जिसको कुछ भी नहीं लग रहा हाथ में, लेकिन वो चीज़ हो रही है, मतलब थोड़ा सा धूप में है और थोड़ा छांव। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये कार्ड क्यों आ गया है। पेज ऑफ वांड्स है, उसके बाद वाला कार्ड हमें देखना पड़ेगा, और वो है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ये भी कंफ्यूजिंग है। तो चलो हम देखते हैं पेज ऑफ वांड्स के लिए दूसरे टैरो से हमें क्या कंफर्मेशन मिलता है। तीन ही कार्ड हम लेंगे, 1, 2, 3। पेज ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों आ गया है, इससे रिवील हो जाएगा क्या है। चलो, तीन कार्ड आ चुके हैं। पहला जो है वो है द मून, ठीक है। दूसरा जो कार्ड है वो है द एम्परर। ओके, तीसरा जो कार्ड है टेम्परेंस। ओके, मेरे हिसाब से ये पर्सन आपको अपने अतीत से जोड़ रहा है। ठीक है, इसका अतीत जो था और इसका जो रोल था अतीत में, वो आज के रोल से कंपैरिजन कर रहा है, और उसके हिसाब से शायद आप जो उसका अतीत था और जो कोई व्यक्ति उसके साथ था, आप भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है जो कि है द एम्परर, यानी कि भाई ये पर्सन जो है, ये एरीज का साइन है, ये पर्सन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंस ही इसके ईगो का कारण बन रहा है। इस पर्सन को ये ईगो जाने देना होगा, वरना टेम्परेंस नहीं होगा। मैं कहूँगा कि अगर ये बार बार अपने अतीत में जा रहा है, और आपको अगर लग रहा है कि ये बार बार क्यों सैड होता है, तो आपको इस व्यक्ति को जाने देना होगा। जब ये सीधा हो जाएगा तो सीधे आपसे बात करेगा। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो एक क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं अपने अतीत में ही जुड़ रहा है, और आपको भी वैसे कनेक्ट कर रहा है कि मतलब मानो उसको कोई कदर ही नहीं है। इसके हिसाब से आप हमेशा से ही इसका साथ निभाओगे, चाहे आप हंसी खुशी हो या फिर आप दुख में हो, तो वो चीज़ आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
सेवन ऑफ सॉर्ड है ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड, और ये कार्ड रिवील करता है कि ये पर्सन को अपने अतीत को छोड़ना ही होगा। ठीक है, आप शायद उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई कोई चीज़ तकलीफ दे रही है या फिर कोई ख्याल है जो इसको तकलीफ दे रहे हैं। तो ठीक है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स में इस पर्सन को कुछ सबक सीखना होगा, और कहीं ना कहीं मेरे सबसे थोड़ा सा डर रहा है अपने अतीत से, उससे बाहर आना होगा। अगर कि उसको लग रहा है कि शायद कि अतीत उसका पीछा कर रहा है, फिर कहीं ना कहीं पे वो अपने एक्स से मिलना चाहता है या फिर कोई थर्ड पर्सन है, तो उसको उससे दूरी बनानी ही होगी। यही क्लियर कट आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है। सिक्स ऑफ पेंटेकल्स जो है वो यही दर्शाता है कि इस पर्सन को अभी जजमेंट खुद करना होगा। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, जजमेंट मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं पे मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे अभी का प्यार चाहिए, यानी कि आप जो उसे सच्चे दिल से चाहते हैं, फिर कि उसका गुजरा हुआ कल जिसको शायद इसने अपने दिल से चाहा था, तो इसका चुनाव इसको खुद ही करना होगा। रिगार्ड वे टू ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, फिर आ रहा है हमें टेन ऑफ पेंटिकल्स, एंड फाइनल है एट ऑफ सॉर्ड। मेरे हिसाब से चीज़ें जो अभी नज़र के सामने आ रही हैं, या तो ये एक दो दिनों में अपने अतीत का कोई चेहरा देख चुका है, अपने अतीत की किसी से मिल चुका है, या फिर उसके बारे में खोजबीन की है उन्होंने सोशल मीडिया पे, एंड ये आपसे भी मिल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि डोंट वरी, आई एम विथ यू कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स शायद आपको कमिटमेंट देने तक करीब आ चुके हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो उनकी मन की अवस्था है वो ये है, एट ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं बंद सा महसूस कर रहा है, मतलब ये पर्सन इतने जल्दी आगे मूव ऑन नहीं होगा। एंड कहीं ना कहीं आपको ये एहसास ज़रूर हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अटका हुआ है। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार इनका अतीत ही हो, लेकिन शायद कुछ चीज़ें जो अतीत में हुई हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट या फिर कहीं किसी का हेल्थ इशू, कहीं कुछ बातें, कहीं प्यार का कोई मामला, और वो चीज़ इनको तकलीफ 100% दे रही है। अब देखते हैं एवलॉन मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिल रहा है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, ये पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड। ठीक है, तो पांच कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कार्ड है, एज यू कैन सी, ये है ऑनर योर कमिटमेंट्स, बी लॉयल टू योर सोल्स लॉन्गिंग्स, दिस इज वेयर यू विल फाइंड ट्रेड। आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा अटक चुका है कि अगर उसने पास में कुछ किया भी था, कुछ कमिटमेंट दिया भी था, तो वो पास्ट था, अब ये उसका प्रेजेंट है, तो उसने अपने प्रेजेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। सेकेंड जो कार्ड है, आपको यहाँ पे म्यूजिक दिख रहा है, वेन यू अलाउ योर इनर लाइट टू शाइन एंड कनेक्ट विथ योर डिवाइन स्पार्क, देयर इज अ सर्ज ऑफ लव ऑफ सेल्फ दैट कैन ओवरराइड ऑल फियर। अगर ये पर्सन आपसे पूरे तरीके से जुड़ता है, तो उसे समझ में आएगा कि भाई अगर आप उसके साथ हो जो सच्चा प्यार है, तो ये किसी भी चीज को टकराने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन ये एहसास 100% होना चाहिए। अगर इस एहसास को वो नहीं मान रहे या फिर गलत ठहरा रहे या फिर कहीं ना कहीं पे कह रहे कि नहीं, मेरे पास की इन्वॉल्वमेंट अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तो फिर तकरीर बनी रहेगी, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। फोर्थ थर्ड जो कार्ड है वो है, डोंट बी इम्प्रेसन बाय योर पास्ट, क्रिएट अ ब्रांड न्यू यू, होल्ड दैट विजन। अपने ही पास में अटक चुके हैं, और वही रीज़न है कि इसको अपने अतीत से बाहर आना ही होगा। देखो, अतीत के फैसले हम अभी नहीं कर सकते, जो हुआ वो हुआ, और किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। हमेशा यू नो हम कहते हैं कि भाई यू कैन चूज़ योर फ्यूचर, येस यू कैन चूज़ योर फ्यूचर, बट यू डोंट नो वॉट विल बी हैपनिंग इन योर करंट लाइफ। और अतीत के बारे में अगर कहे तो हम अतीत के पन्ने नहीं बदल सकते। जो फोर्थ कार्ड है ये है रैबिट, लाइफ विल सपोर्ट द विजन यू हैव फॉर योरसेल्फ, मेक इन द बेस्ट इट कैन बी। यानी कि भाई जिंदगी आपको बहुत सारे मौके दे रही है, उस मौके का फ़ायदा उठाना सीखो। एंड जो फिफ्थ कार्ड है, ओके, ये है भाई, द पाथ इजंट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, यू कम बैक टू थिंग्स दैट यू थॉट यू अंडरस्टूड एंड सी डीपर ट्रुथ्स। जैसे कि हमें चीज़ें नज़र आ रही है, हमेशा उन तक पहुंचने का जरिया सीधा ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो किस हिसाब से भी आपसे कनेक्ट करना बहुत ही इजी हो सकता है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उनका अतीत ही उनका दुश्मन बन चुका है। तो ऐसे में इस पर्सन ने समझदारी दिखाने की सख्त ज़रूरत है। अब देखते हैं स्वीट ड्रीम्स में हमें क्या रीडिंग मिल रही है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हमें बस चुनने हैं कुछ कार्ड, देखते हैं हमें क्या रीडिंग आती है। 1, 2, 3, ठीक है, तीन कार्ड आ गए, यह आ गया फोर्थ। चलो, आज हम सिर्फ चार कार्ड देखेंगे। ओके,
एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है यहाँ पे वो है अट्रैक्शन। ओके, आई अट्रैक्ट अ लविंग हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप इन टू माई लाइफ। इस पर्सन को अट्रैक्शन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, रोमांस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अभी के वक्त पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लो किसी के पास बहुत पैसा था और बहुत अच्छी गाड़ी थी, लेकिन किसी कारण से वो पैसा चला गया, गाड़ी चली गई। अब जो वो गाड़ी खरीदेगा, चाहे कम बजट की हो, उसे उससे प्यार करना होगा, और अगर नहीं करता देन द पर्सन डजंट मीन टू बी लव्ड। सेकेंड जो कार्ड है वो है बी ओपन। आई एम ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज, आई वेलकम न्यू बिगिनिंग्स। नई चीज़ों की तरफ इस पर्सन ने ध्यान देना चाहिए ताकि सब चीज़ें सही हो जाएंगी। थर्ड जो कार्ड है वो है गाइडेंस। माई ड्रीम्स गिव मी इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस। गाइडेंस की इसको सख्त जरूरत है। अब ये गाइडेंस को किसी भी तरीके से मिल सकता है, चाहे आप उससे बात करें या फिर कहीं ना कहीं पे वो कहीं और से सीखे, किताबों से सीखे, जो मोटिवेशनल वीडियोज हैं वहाँ से सीखे, फिर किसी काउंसलर की हेल्प ले। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है डेस्टिनी। माई ड्रीम्स शो बी दैट आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ एंड डेस्टिनी। डेस्टिनी हम कहते हैं कि कभी कभी हमारे हाथ में होती भी है और नहीं भी, लेकिन अगर इसको अतीत से जूझना है तो उसको अपने वर्तमान को अपने हाथ में लेने की जरूरत है। ये रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।